हेलो स्टूडेंट्स, इधर 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 थोड़ा नीचे देखो। हाँ तो यार, तुम्हारा जेई मेंस का फॉर्म अगर नहीं भर रहा है तो ये वीडियो मैं लाया हूँ। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर वीडियो को आप 100% फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फॉर्म आपका फुल फिलअप हो जाएगा। मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही अपने छोटे भाई का भी जेई का फॉर्म भरा है, तो आप लोग भी अपना फॉर्म भरवा सकते हो बिना कहीं साइबर कैफे जाए। फालतू में कोरोना की वैसी टेंशन हो रही है, बाहर जाके इतना रिस्क लोगे, इससे बढ़िया घर बैठे फ्री में करो ना, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। आराम से रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, जब कंफर्टेबल हो तब करो। तो सबसे पहली बात, जेई मेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको सर्च करना है जेई मेंस 2021। सीधी सी बात है, आपका सबसे पहला लिंक आएगा, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, jmain.nta.nec.in। इस लिंक पर जाओ आराम से, एकदम आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, हमें जेई मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सामने ही दिख रहा है, दिख रहा है एकदम सामने ही, जहां मैं कर्जर मूव करवा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेई मेंस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपना, तो आगे की 2-3 मिनट की वीडियो स्किप कर देना। बट आप अगर जीरो से यहाँ पर फॉर्म देखने आए हो, तो आप लॉगिन, जैसे फेसबुक पे होता है ना, पहले खुद को रजिस्टर करते हो तुम, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, फिर आप कुछ पिक्चर विक्चर डालते हो, टाइमलाइन पोस्ट करते हो, तो सेम प्रोसीजर जेई मेंस के फॉर्म फिलिंग में भी यही फॉलो होता है। पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट आपका मेन फॉर्म फिलिंग होगा। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उनको भी ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होगा। आप उनसे पूछ सकते हो कि फर्स्ट यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन, आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। चलो फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करते हुए सर फॉर्म भरवाओ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो हम पहले जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, आपको दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है यहां पर। मैं आपको क्राइटेरिया क्लियर कर दूं कि भाई आपका जो बीई बीटेक का पेपर है जो आप देने वाले हो, ऑब्वियसली बात है 90% बच्चे वही आएंगे इस वीडियो को देखने जो बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करने आए हैं, और पर पेपर जो है 650 चार्ज होगा, ठीक है ना, और आउटसाइड इंडिया वालों के लिए 3000 होगा, अपन का 650 है पर पेपर। आप चारों पेपर का एक साथ फिलअप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको कहूंगा चारों सेशन एक ही बार में क्लियर कर दो, ज्यादा आगे की टेंशन नहीं रहेगी। अब फटाफट से ये सब स्टेप्स ना पढ़ते हुए, ये सब स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा बस ये वाला स्टेप पढ़ लेना अपना कि भाई जो आपकी स्कैन सिग्नेचर है वो 4 KB इतना होना चाहिए, मतलब जो आपका साइज है बेसिकली, कि जो क्लियर दिखे, है ना। तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। बहुत बढ़िया, तो फटाफट से मैं कैंडिडेट का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ अपना ही नाम लेके चल रहा हूं मैं, है ना। तो RISHABH और पूरा नाम लिख देते हैं SHARME, ठीक है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, मान लो मैं फादर्स नेम में लिख दिया राम शर्मा, मदर्स नेम में लिख दिया मैंने प्रभा शर्मा, समथिंग लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं अपनी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ रैंडमली डाल रहा हूँ, ऐसा कोई मेरी ये पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं है, पर आपको बहुत ध्यान से डालनी होंगी ये चीजें। मान लीजिए मैंने डाल दिया 16 जून और 2000 डाल देते हैं सपोज हम कुछ भी। जेंडर ऑब्वियस ही बात है मेल, ठीक है ना। आइडेंटिटी टाइप आप कोई भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं आपको जो है बोलूंगा, आप डालिएगा क्वालिफाइंग एग्जाम एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, यानी कि जो आप एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हो, ठीक है ना, उसकी विद फोटोग्राफ। तो ये जो एंटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रोल नंबर, ऑब्वियस सी बात है 12th क्लास का अभी तक आपको रोल नंबर प्रोवाइड नहीं करा गया है, तो यहां पर आप अपनी 10th क्लास का रोल नंबर लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, आप यहां पर क्या लिखेंगे, 10th क्लास रोल नंबर, ठीक है ना। जैसे कि मैं डाल देता हूं कुछ भी 8516428 रैंडमली डाल रहा हूं, तो आपने जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था उसका रोल नंबर इसमें डालना, और आइडेंटिटी टाइप में डालना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ। कोई फोटो नहीं मांगते, सिर्फ क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस देखो अभी आपके पास होगा नहीं बहुत सारे बच्चों पे। स्कूल आईडी कार्ड अपन रिस्क में रहते हैं फालतू में, स्कूल आईडी कार्ड पे मतलब मेरी तरफ से बिलीव नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। पैन कार्ड आप में से कुछ बच्चों का बना होगा, नहीं होगा, तो मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप स्कूल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो मेरी मानो तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेलेक्ट करो, अपना 10th का रोल नंबर डालो और आगे प्रोसीड कर जाओ। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, सपोज कुछ भी मान लो F2, ठीक है ना, F2 और हरिनगर,
समझ लीजिए हरिनगर, एंड आप कुछ भी कैपिटल में डाल देना मेरी मानो तो, ठीक है ना, हर चीज कैपिटल में डालना, F2 हरिनगर, है ना, और आप डाल सकते हैं न्यू दिल्ली, सपोज मैं डाल देता हूँ 11001018 करके कुछ भी, पिन कोड अपना डाल दिया, लोकेलिटी ऑप्शनल है मैंने छोड़ दिया था, मतलब आप लोगों को प्रेफरेंस में दूंगा कि आप छोड़ दीजिएगा, सिटी टाउन विलेज में आप जहां रह रहे हैं, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ रजौरी गार्डन सपोज, ठीक है ना, जो आपका बड़े वाला थोड़ा एरिया है जिसके अंदर आपका हरिनगर आता है, जिसके अंदर आपका एरिया आता है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपना फ्लोर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मान लीजिए सपोज F2 और ग्राउंड फ्लोर, आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। कंट्री आपको ऑब्वियसली बात है इंडिया सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली बात है आगे बढ़ते हैं, स्टेट कौन सा, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना रेस्पेक्टिव स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेरा है वेस्ट दिल्ली, आप लोग अपना देख लीजिएगा जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हो, और पिन कोड एकदम करेक्ट डालिएगा नहीं तो पंगा पड़ सकता है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी गलत डाल दिया है, बट नाउ आई एम करेक्ट। अब आपको फोन नंबर प्रोवाइड करवाना है, यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर उल्टा हो गया है, पहले मेन मोबाइल नंबर दीजिएगा, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ जो कि मैंने यूट्यूब पर भी अपना सबको दे रखा है, 7042778584, ठीक है ना, और ईमेल एड्रेस मैं अपना कौन सा दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस हम अपना दे देते हैं सपोज यूट्यूब वाला ही दे देते हैं मेल, ठीक है ना, जो मेरा वशिष्ठ अकेडमी का मेल एड्रेस है, फटाफट से एक सेकेंड रुक जाइए बस, एक्चुअली मैं खुद का ही मेल भूल जाता हूँ, बात तो ये है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, एकेडमी और 1123@gmail.com, तो क्या है, मैंने डाल दिया वशिष्ठा एकेडमी 1999@gmail.com, आप ऑप्शन नंबर डाल सकते हो, जैसे मैं राम सर का डाल देता हूँ क्योंकि मेरे वो फादर हैं ऑब्वियस सी बात है, तो 7982988558 जो कि YouTube पर भी ऑफिशियली अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में ट्राई करिएगा, जैसे आप लोग अभी बच्चे हो तो मेन मोबाइल नंबर में अपने पापा का दे देना, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में अपनी मम्मी का दे देना, या जिसका भी आपको सही लगे, परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर कर दीजिएगा जहां आप अभी रह रहे हो, मान लीजिए कुछ लोगों का होता है ना जैसे घर बन रहा है तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए रेंट पर ले लिया है, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो जाता है अपने परमानेंट एड्रेस से, बट मैक्सिमम बच्चे क्या होंगे उसी एड्रेस पर रह रहे होंगे जो उनका परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस के केस में सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा। अब आप पासवर्ड बना दीजिए फटाफट से, सपोज मैं कुछ भी पासवर्ड बना देता हूँ, पासवर्ड में ध्यान रखिएगा 8 to 13 characters लॉन्ग हो, और एक अपर केस हो और लोअर केस भी हो, एटलीस्ट कम से कम एक न्यूमेरिकल वे न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, सपोज मैं पासवर्ड बना देता हूं कैपिटल PANKAJ पंकज, ठीक है ना, पंकज के बाद मैंने एट द रेट डाल दिया, और पंकज एट द रेट मैंने डाल दिया 224 2200, ठीक है ना, तो मैं दोबारा बताता हूं क्या पासवर्ड था मेरा, एक सेकेंड में खुद ही भूल गया, एक सेकेंड रुक जाइए, पंकज एट द रेट 2222 रहने देते हैं, 2000 लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, तो पासवर्ड क्या था, पंकज एट द रेट 2000। क्वेरी क्वेश्चन आप मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल या नेबर्स का पेट नेम, मान लीजिए पहले स्कूल का नाम क्या था, सपोज मैंने डाल दिया XYZ, ठीक है ना, ये आपका इसलिए होता है बाय चांस आपका पासवर्ड खो जाए तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग के लिए रहता है प्रोवाइडेड, जिससे कि आप अपना पासवर्ड वापस से पा सकते हैं। फटाफट से ये आपको सामने जो नीचे दिख रहा है आप ये डाल दीजिएगा Y381E1। हाँ प्लीज गाइज मेरा पासवर्ड याद रख लेना, पता लगा बाद में मेरे को लॉग इन करना पड़े, कैपिटल पी पंकज एट द रेट 2000, और कमेंट में लिख देना यार, ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर सेव पासवर्ड में मैं अभी नेवर कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने ऐसे ही करा है, तो यहाँ पर एक बार दोबारा से आपके पास एक रिव्यू पेज का ऑप्शन आएगा, आपको ये बोला जाएगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फाइनल सबमिट बटन, तो मैं क्या करूंगा एग्री, एक बार अपनी डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है ना, काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस पर्टिकुलर चेकलिस्ट, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा
लफड़ा चल रहा है ना ना। हाँ देख लीजिए फटाफट से, आप लोग अपनी डिटेल्स देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मौका देगा आपको कि भाई, पर ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी एनटीए के फॉर्म की, फॉर्म सबमिशन की, कि उन्होंने पर्टिकुलर्स पर क्लिक करने को कहा है कि भाई माई नेम चेक कर लो, फादर्स नेम चेक कर लो, मदर्स नेम कर लिया, मतलब कि आप बारी बारी से ना मजबूर हो जाओगे कि यार अब टिक मार रहे हो तो एटलीस्ट एक बारी देख ही आता हूं, तो आपका डबल ट्रिपल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो इस पर फटाफट से हम सब पर टिक मारेंगे और आई हियर बाय इन्फॉर्म आई एग्री समथिंग करके, और फटाफट से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों कर दिया यार मैंने, एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तो पासवर्ड क्या था मेरा, पंकज एट द रेट 2123, क्या पासवर्ड था, पंकज एट द रेट 2000। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट स्कूल मैंने लिखा था एक्स वाई जी, और ये पता नहीं क्या हो गया मेरे से, सॉरी यार, F203 है ना, तो सबमिट कर देंगे फटाफट से और क्लोज कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट का टाइम निकल गया, बट आपको अच्छे से बताकर भेजूंगा क्योंकि मैं ये फॉर्म भरता रहता हूँ, तो मेरे लिए आम बात है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस ऑब्वियसली, हमें जेई मेंस का पेपर देना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का सिंबल आ चुका है, इट मींस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ सक्सेसफुली, यानी कि आपने अपने आप को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। तो अब रह गई तीन चीजें, तीन चीजों में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है ये दो होती है, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक इमेज अपलोड। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है इमेज अपलोड करने में, क्योंकि वहां रहता है क्वालिटी का दिक्कत, तो उसका जुगाड़ पूरा परफेक्ट बताऊंगा तुम लोगों को मैं। फी पेमेंट आप कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं फटाफट से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करता हूँ, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है जो कि एनटीए द्वारा मेरे को दिया गया है, तो मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पर जाता हूँ फटाफट से। तो आप देख सकते हो मेरा नाम, जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डाली थी वो सब यहाँ आ चुका है, तो आप देख सकते हो नेम और मेरा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो नेशनैलिटी पे ऑब्वियसली बात है दोबारा इंडिया सेलेक्ट करेंगे अपन लोग, और आपको बताना है कहाँ से आप 12th पास करने वाले हो या कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आई विल सेलेक्ट माई स्टेट, ओ सॉरी ठीक है ना, दिल्ली को सेलेक्ट करूंगा, आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट को सेलेक्ट करिएगा। कैटेगरी आप देख लीजिएगा, आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं या जनरल हैं या एससी एसटी या ओबीसी हैं, तो मैं जनरल हूं तो मैं अपने आप को जनरल कैटेगराइज करेंगे फटाफट से। इफ यू आर पीडब्ल्यू कैंडिडेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं ठीक है ना, और आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज्यादा है, तो आप प्लीज येस और नो करिए, तो मैं करूंगा नो, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो जो होगा वो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप डायबिटिक हैं, तो इसका भी आंसर करेंगे नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, तो आई विल चूज अर्बन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ स्टडी से थे, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे थे घर बुलाकर, ट्यूटोरियल क्लासेस ले रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग कोई कोर्सेस कर रहे थे ऑनलाइन, तो मैं सेल्फ स्टडी पे सेलेक्ट कर देता हूँ फटाफट से। आगे आपको आगे बताना है मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि आप कौन से स्कूल से पास, मीडियम ऑफ स्कूलिंग मतलब कि सॉरी सॉरी, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम, आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में बच्चे मराठी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अपना मीडियम, जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हो, मतलब कि हिंदी इंग्लिश नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम से पढ़ते हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा, चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट प्रेशर होता है ये, बस इसके बाद फोटो डालनी है, काम खत्म, डन डना डन डन, बस ठीक है ना। तो फटाफट आप पहले ये कर लीजिए ठीक है, तो आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हो, ऑब्वियसली बात है बीई बीटेक, आप देख लीजिएगा, कोई बैचलर्स ऑफ बी आर करना चाहो तो देख लीजिएगा, तो बीई बीटेक सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहां पर उन्होंने हमसे पूछा है कौन से सेशंस के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, केवल फेब्रवरी, अगर आप एक सेलेक्ट करेंगे तो आपको 650 पे करना पड़ेगा, दो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका समथिंग ज्यादा हो जाएगा पे, आप देख लीजिएगा जितना भी पर फॉर्म है। तो मैं क्या करता हूं और आपको भी क्या प्रेफरेंस दूंगा कि आप चारों फॉर्म सेलेक्ट, चारों
एग्जामिनेशन सेलेक्ट करिएगा कि हमें सारे सेशन दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, पहली बार तुम्हें मौका मिल रहा है। हम जेई मेंस एक बार देते थे 2016-15 के टाइम पे, फिर दो बारी मौके मिले लोगों को, अब चार बारी दे रहा है एनटीए, तो उसको कौन मिस करेगा भाई। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन पेपर मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश यूज करूंगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एनटीए की, आप अपनी रेस्पेक्टिव रीजनल या लोकल लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। सो आई विल सेलेक्ट इंग्लिश, आप लोग हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर की चॉइसेस डाल दीजिएगा। सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली, और दिल्ली में आपको सिटी भी सेलेक्ट करनी है। पहले आपको स्टेट, स्टेट के ऑपोजिट में सिटी, तो मैंने न्यू दिल्ली कर दिया। सेकेंड मेरे नियरेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो मैं फटाफट से सेलेक्ट कर देता हूँ उत्तर प्रदेश कर देते हैं, क्योंकि मेरे सबसे पास में वही है। उत्तर प्रदेश में भी हम सबसे पास में बुलंदशहर कर देते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। आप दोबारा से उत्तर प्रदेश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जी हाँ, ठीक है ना, जो मैंने बोला। यस, आप दोबारा से यूपी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली दिल्ली में मेरे को दोबारा अगर सेलेक्ट करूंगा, देखिए अगर मैं दिल्ली, आप दिल्ली दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा, कॉज एरर आएगा दिल्ली में, समझ रहे हो। एरर ये आएगा कि फर्स्ट और फोर्थ चॉइस जो है एग्जाम सेंटर की सेम नहीं हो सकती है, मतलब कि यूपी सर हो सकता है, हाँ, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा है यार, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। सपोज मैंने गाजियाबाद चूज करा, क्योंकि दिल्ली छोटा सा है, तो हम लास्ट में राजस्थान ले लेते हैं, है ना, क्योंकि दिल्ली के पास में एक तो राजस्थान है, एक यूपी है, तो हम जयपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस बहाने घूम भी लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपका एजुकेशन डिटेल्स आएगा, ये आपकी जनरल डिटेल्स कंप्लीट हो गई। पर्सनल डिटेल्स मांगी थी, फिर आपसे पूछा गया आप किसके लिए अप्लाई कर रहे थे, दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। रजिस्ट्रेशन हो गया, इस वीडियो को फॉलो कर लेना, सीधा सीधा आपका एप्लीकेशन पूरा फॉर्म भर जाएगा बिना किसी एरर के। देख रहे हो अभी तक कोई एरर आया नहीं, आया ना, बस ध्यान रखना है जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हो बेशक उसे 3 से 4 बार वेरीफाई कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। जैसे कि मेरे को मैसेज आ गया है, ठीक है ना, हालांकि मुझे पेपर नहीं देना है, बट फिर भी तो आपको बताना है 10th कहाँ से पास करी थी, पास कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 10th और इक्विवेलेंट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि आप पास कर चुके हैं नहीं, और 10th और इक्विवेलेंट ही सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन थी या रूरल थी, मतलब शहर से पढ़े हो या रूरल एरिया से पढ़े हो। टाइप ऑफ स्कूल आपका स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, या स्टेट गवर्नमेंट एडेड है, या केंद्रीय विद्यालय है, या जेएनवी है, या फिर प्राइवेट है। तो मान लीजिए मैं प्राइवेट पर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप जहां से भी 10th क्लास का बोर्ड आपने दिया था, ये अभी हम किसकी सेलेक्ट कर रहे हैं, जहां से हमने 10th पास आउट करी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जेई मेंस के लिए वही एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th पास आउट कर दिया और 12th क्लास में है। सपोज मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी समझ लेता हूँ, फटाफट से कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। एक्चुअली में यह थोड़ा है ना तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डिटेल क्या आएगी, यहाँ पर स्कूल बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड था, तो मेरा बोर्ड था सीबीएसई, तो मैंने सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया है। देन आफ्टर दैट फटाफट से आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है। सपोज आई हैव सेलेक्टेड फॉर एग्जांपल 2014, रिजल्ट आपका क्या था, मान लीजिए परसेंटेज लिख लीजिए, तो आपका परसेंटेज लास्ट में वो पूछेगा मार्क्स ऑब्टेंड। तो मान लीजिए मेरे को 450 मार्क्स ऑब्टेन हुए थे आउट ऑफ 500, तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करेगा 90%। रोल नंबर अगेन वही लिखेंगे जो पिछले पेज पर लिखा था, मैं खुद भूल गया एक्चुअली में, 841 और 863 समथिंग, मुझे याद भी नहीं आ रहा। स्कूल और नेम आप लिख दीजिए एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, ठीक है ना। और स्कूल का पिन कोड क्या है, सपोज 00018, यहाँ पर पब्लिक स्कूल का यहाँ पर वो भी डाल दीजिएगा एड्रेस। सपोज मैंने लिख दिया बी ब्लॉक जनकपुरी, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। क्लियर एवरीबॉडी। नाउ 10th क्लास का एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया, 12th में अभी हम अपियरिंग है, अभी हम दे रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने दे चुके हैं वो पास्ड लिखेंगे, ठीक है ना, बट जो 12th में अभी हैं वो अपियरिंग लिखेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा है, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा चॉइस बेस्ट बैठ रहा है।
क्योंकि मेरा बैठ रहा है द फाइनल एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब मैं अपने ब्रदर के लिए कर रहा था तो मुझे भी एरर आया था, एकदम लास्ट में चले जाना अगर आप सीबीएसई को बिलोंग करते हो तो, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एकदम एंड में चले जाइएगा। स्कूलिंग आपकी अर्बन है, जी हाँ, उसके बाद आपका स्कूलिंग प्राइवेट, और हम स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, फटाफट से इसको करिए। और देन आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा था, एक तो ये ड्रॉप डाउन में बहुत दिक्कत आता है, वेस्ट दिल्ली था। देन आफ्टर दैट आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, है मतलब अभी आप 12th में हैं, परसेंटेज अभी आपका आया नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इधर वो आया नहीं है, ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा एडिशनल डिटेल्स है, क्या आप ट्विन ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नो कि हम ट्विन नहीं है, अगर आप ट्विन हैं तो यस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फादर का क्वालिफिकेशन सपोज मैं पोस्ट ग्रेजुएट लिख देता हूँ, ऑक्यूपेशन सपोज मैं लिख देता हूँ हम क्योंकि टीचिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो टीचिंग लिख देते हैं। एनुअल इनकम मान लीजिए 3 लाख टू 4 लाख समथिंग। मदर्स हमने मान लिया ग्रेजुएट, और मान लीजिए मम्मी को भी बना दिया टीचर, और मम्मी की भी इनकम रख दी 3 लाख टू 4 लाख, ठीक है ना, पर एनम, ये पर एनम है, ध्यान दीजिएगा इसमें। गार्डियन आप सेलेक्ट कर सकते हो, गार्जियन का इम्पोर्टेंट है नहीं है, हाँ भाई, तो यूं लिख दीजिएगा ग्रेजुएट कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन अभी पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और अभी पैसे कमाते नहीं है, ठीक है ना। अब फटाफट से ध्यान दीजिए, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म यस भर चुका है, इतनी जल्दी भरवा दिया मैंने, फटाफट से यहां पर लिख देंगे 2, 4, 6 और जे और 7 और F, यहां पर लिख देंगे सिक्योरिटी पिन, आप सबमिट करेंगे तो यहां पर कुछ एरर तो नहीं आ गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ एरर आ गया, क्लास 12th और इक्विवेलेंट में मैंने गलती से ये स्कूल का नाम लिखना भूल गया था, XYZ आप लिख दीजिएगा पब्लिक स्कूल, मैं लिखना भूल गया था उस टाइम पर, और बी ब्लॉक जनकपुरी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और 1100018, ठीक है। अब हमारा सबमिट हो गया, हाँ बस ये दिक्कत रह गई थी, फटाफट से आपको ये डालना पड़ेगा B7D 1 2 3, ठीक है, तो अब हो जा सबमिट, यस तो हो गया। तो प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग फाइनल सबमिट, वही आएगा, तो क्लोज कर दीजिएगा फटाफट से, आप देख लीजिए फटाफट से, आपको ये दोबारा मौका देंगे, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल, एग्जामिनेशन सिटीज, डॉट डॉट और डॉट, यहाँ पर आप आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पर ये फटाफट से आगे आ जाएगा, और लास्ट में यस, देखिए देखिए फटाफट से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। मैं फटाफट वीडियो में बना रहा हूं, पर आपको ये चीज आराम से रिलैक्स होके पूरा ध्यान लगा के करनी है, बेशक आधा सा एक घंटा लग जाए, डजंट मैटर। अब यहाँ आ गए इमेज अपलोड पे, अपलोड इमेजेस पे जाइए फटाफट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो चीजें डालनी है, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है अपनी, एक अपनी सिग्नेचर। तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइज का दिक्कत रहता है, 10 KB से 200, फोटो जो है 10 और 10 और 200 KBPS के बीच होनी चाहिए, KB, और जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, कुछ भी मत करो, फोटो खींचो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो खींचो उसको, ठीक है ना, और देन आफ्टर दैट एक सिग्नेचर का एक क्लियर सा फोटो कैम स्कैनर से, बेशक उसको स्कैन कर सकते हैं किसी भी रेस्पेक्टिव स्कैनर से। अब आप देखिए, मैं जैसे चूज फाइल करता हूं यहाँ पे फोटोग्राफ, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक फोटो है, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो ये 807 KB की है, तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा फाइल एक्सीड्स, फाइल बहुत ज्यादा क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, नेट पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ध्यान दीजिए, आपको सर्च करना है फोटो रिसाइजर, और फटाफट से आप जाइए यहां पर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, ये कहेंगे फोटो बताइए कौन सी चूज करनी है, मैं फटाफट से ये फोटो चूज कर दूंगा। ये जनरल दिक्कत है जो आती है, वो आपकी दिक्कत ही हटा रहा हूं। क्वालिटी हम कितनी कम कर देते हैं, मेरे ख्याल से क्वालिटी हम कर देते हैं 60%, और ट्राई करते हैं अब कितने KBPS की बनेगी, तो आप देख सकते हैं ये 79 KBPS की बन रही है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमें कितनी चाहिए,
200, ग्रेट। तो एक काम करते हैं, चाहो तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो। मैंने 79 kbps पे ही इसकी क्वालिटी, आप अगर 90% भी रखते हो तो 90 पे दिक्कत हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप 80 करके देख लीजिएगा, क्वालिटी आप सेट कर सकते हो खुद से और ये 150 kbps बन जाएगा, ठीक है ना। तो 90% भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, बस ज्यादा ब्लर इमेज ना हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यू इमेज है जो कि 17 kb की है। अब इन्होंने ये इमेज एक्सेप्ट कर ली, दिख रहा है आपको, अब ये इमेज एनटीए की वेबसाइट ने एक्सेप्ट कर ली है। देन आफ्टर दैट फटाफट से हम सिग्नेचर की बात करते हैं, मैं दोबारा सिग्नेचर दिखा देता हूँ, सिग्नेचर शायद से एक्सेप्ट ना करे। सो 859 kb है, अगेन मैसेज आएगा मेरे को कि ये साइज बहुत ज्यादा है सर, थोड़ा चेंज करिए। तो हम क्या करेंगे, मैं ज्यादा क्वालिटी कम कर रहा था, आप लोग ज्यादा मत करिएगा, इसकी 90% क्वालिटी डिक्रीज कर दीजिएगा, है ना, मतलब कि 90% हो जाएगा। मान लीजिए रिसाइज करता हूं तो आप देख सकते हो ये इमेज 242, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने बोला है 4 से 30, तो इसकी तो बहुत ज्यादा कम क्वालिटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इससे ये वेबसाइट है रिड्यूस इमेजेस रिसाइज, फटाफट से सर्च कर लेना इमेज रिसाइजर करके, जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए मैं इसकी 50% तक क्वालिटी डिक्रीज कर देता हूं तो ये कितना बनता है, अभी भी गड़बड़ कर रहा है, 39 kb, हमें 30 चाहिए। तो एक काम करते हैं और कम करनी पड़ेगी इसकी, तो लेट अस डू 40%, मैंने रिसाइज कर दिया, फटाफट देखिए ये 31 kb। अरे यार ये हो के नहीं दे रहा। चलिए तो आप जो गलतियां मेरे से हो रही है वो आपको दिख जाएंगी ना, तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी। हाँ तो अब आप देख सकते हैं 25 kb की हो चुकी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको फटाफट से कैंसिल कर देता हूं और इसको फुल स्क्रीन कर देता ताकि अच्छे से दिख जाए। अब यहां पर इसके लिए चूज फाइल करेंगे और ये न्यू वाली डाल देंगे। आप देख सकते हो मेरी दोनों चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं, और आपको मैंने वेबसाइट भी बता दी है कैसे जाना है, जल्दी बताइए। इसमें आपको सर्च क्या करना है, फोटो रिसाइजर, आप कर लीजिएगा, आपका ये 100% काम हो जाएगा। बस सबमिट एंड प्रीव्यू करेंगे फटाफट से, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबमिट एंड प्रीव्यू कर दिया है। यहाँ पर वापस ये करना पड़ेगा 21Y61 और कैपिटल टी, तो आई हैव वेरी अपलोडेड सक्सेसफुली, काइंडली वेरीफाई द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड चेक देयर इन द कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स। चलिए तो अब यहां पर क्या होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो मैं समझ गया क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने काफी चीजें ऐसे ही डाल दिया हवाबाजी में। तो जैसे ही आप, अब मैं आपको आगे का प्रोसीडिंग बता रहा हूँ, जैसे आप इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फी पेमेंट पे चला जाएगा, वहां पर आप कोई भी रैंडम बैंक चूज कर लीजिएगा, है ना, जो आपको जो भी हो, आपके बैंक के ऑप्शन आएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, HDFC का आ जाएगा, ICICI का आएगा, वो लिखे बट ब्रैकेट में लिखा होगा एक्सेप्टिंग एनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी अदर बैंक। तो आप जो मनाए, मेरी मानो तो HDFC पर क्लिक कर देना, और आगे कार्ड डिटेल्स वो आपसे पूछेगा डेबिट कार्ड है कौन सा कार्ड है, तो डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर दीजिएगा, प्रोसीड करके डिटेल्स डाल दीजिएगा, जिस फोन नंबर से वो लिंक्ड होगा कार्ड उस पर OTP जाएगा, वो OTP आप वापस से डालिएगा और तब तक वेट करिएगा जब तक आपकी रिसिप्ट रेडी नहीं हो जाती एनटी की वेबसाइट पर। सबमिट कर दीजिएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिटेड, ठीक है ना, और आपकी फीस सबमिशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना तैयार, बस आप इतना प्यार दे सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब मार देना, मैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं अन्य अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ, आप वहां पर भी मेरे से मिल सकते हो, फाउंडेशन NTSC एंड ओलम्पियाड्स की कैटेगरी में, वहां पर मैं NTSC NSC JS और KVPY जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JEE मेंस, एंड बस अब ट्राई सब्सक्राइब मार देना, बाय यार।